हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, पहले इंटरेस्ट लाओ इसमें। कैसे आएगा इंटरेस्ट? देखो तो चैप्टर का नाम क्या होता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या होगा? सिंपल सा क्या बोलेंगे आप? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्वेश्चन है आपसे, या चैप्टर ये बोल सकते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका मतलब क्या समझते हो? आपके चारों ओर जो भी है चीजें, क्या सभी प्योर होती है? पहला से यस और नो, आराम से सोच के आपका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज 100% प्योर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप करके देखें, ये तो रिलेटिव है। किसी भी चीज में क्या होती है? मिलावट होती है। क्या होती है? मिलावट होती है। तो इसमें क्या होता है? तो मैटर, तो मैटर ने आप पहले ही चैप्टर 1 में पूरा डिस्कस किया हुआ, मैटर क्या होता है, कैसा होता है, जो स्पेस कवर करता है, जो कुछ मास लेके रहता है, वही मैटर है। अब मैटर में क्या क्या आते हैं? तो मैंने बताया था फिजिकल और केमिकल, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है। तो चैप्टर 1 में जो हमने पढ़ा था, क्या था बच्चों? फिजिकल पार्ट था, जिस मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। डोंट वरी, आप परेशान नहीं होंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ, ये फिजिकल का जो प्रॉपर्टीज थे, ये आपने कहाँ पढ़ा था बच्चों? चैप्टर 1 में पढ़ा है। आज हमको चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। आज हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सिंपल सा ही। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता चलेगा कि मैटर प्योर है कि इम्प्योर है। तो इसको क्लासिफाई किया गया है प्योर फॉर्म में और इम्प्योर फॉर्म में, दोनों बढ़ते हैं इसमें। क्लियर है? दिख रहा है आप लोग को साफ साफ? हो रहा है क्लियर एकदम? ओके। तो केमिकल जो होता है बच्चों, दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्या? प्योर होता है। और दूसरा क्या होता है बच्चों? मिक्सचर। इसी को बोलते हैं इम्प्योर। प्योर इम्प्योर, प्योर इम्प्योर। क्लियर हो गया? अगला, तो जो प्योर होता है बच्चों, फिर से दो टाइप का होता है। एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है बच्चों कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट इसी को एटम भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस होता है, सिंगल कंपाउंड होता है, जो क्या होता है? प्योर फॉर्म में रहता है। ठीक है, हम सबको वन बाय वन सिंगल सिंगल वीडियो में अलग अलग कर लेंगे, इसको पूरा सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से। फिर एलिमेंट क्या होता है बच्चों? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, इसको तीन टाइप में और बांटेंगे। सेम टू सेम कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। दिख रहा है आपको साफ साफ? ओके। यहां होता है बच्चों मिक्सचर या इम्प्योर फॉर्म। तो ये दो टाइप का होता है आपका, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। सबको पढ़ना है वन बाय वन। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? जिसमें मिक्स करने पर वो यूनिफॉर्मली हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जैसे कि आपका नमक, शक्कर, पानी, लेमन, सबको मिक्स करोगे क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा? जैसे सैंड, वाटर मिक्स होते हैं क्या? कभी भी नहीं होते। तो ये होते हैं हेट्रोजीनियस। सॉयल भी ले सकते हैं आप इसमें, सॉयल हल्का बहुत डिजोल्व होता है, जो कंकड़ पत्थर होता है समझे बैठ जाते हैं। दिस इज हेट्रोजीनियस टाइप। सबके एग्जाम्पल देखना है आपको और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, सबको वन बाय वन डील करेंगे हम लोग। आया समझ में? तो क्लियर याद रखना कि कोई भी चीज आपके आसपास कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होता है, सब क्या होते हैं? इम्प्योर होते हैं। प्योर इम्प्योर यानी इसी को बोलते हैं मिक्सचर। आगे समझ में? क्लियर हो गया एकदम? ओके, थैंक यू बच्चों।